उधर भिवानी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने 22 लाख की अवैध शराब को पकड़ा है। पंजाब से गुजरात ये शराब लेकर जाई जा रही थी। 627 पेटी दरअसल बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले में जांच जारी है। तो भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। 600 से अधिक पेटियां हैं अवैध शराब। बताया गया पंजाब से गुजरात शराब को ले जाया जा रहा था। इसी बीच भिवानी में पुलिस ने ये शराब की पेटियां जब्त की है। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ का प्रयास करेगी। इस मामले से जुड़ी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अवैध शराब तस्करी से जुड़े बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो भिवानी से बड़ी खबर आपको बता रहे, पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब की पेटियां भिवानी में जब्त की गई हैं। एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है और मामले में जांच पड़ताल जारी। तो पुलिस को गुप्त सूचना मिली और सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई। तो पंजाब से गुजरात ही शराब की पेटियां ले जाई जानी थी, लेकिन इस बीच भिवानी में पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, भारी मात्रा में शराब की पेटियां जब्त की हैं, बरामद की गई हैं। चलिए अशोक भारद्वाज हमारे संवाददाता भिवानी से फोन लाइन पर गए। अशोक, भारी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां जब्त की गई है, बरामद की गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, जो भिवानी पुलिस है जो लगातार इस प्रकार के जो नशा तस्करी के ऊपर जो निगरानी बनाए रखी हुई है, और पूरे तरह से पुलिस अधीक्षक के द्वारा यहाँ जो अरुण सिंह लाल तब से आए हैं, जब से इस प्रकार के जो अपराधी हैं उनको धरपकड़ है वो जारी है। क्योंकि भिवानी में जो पुलिस की सख्ताई के बढ़ते जो काफी दिन से जो जहाँ एक तरफ मौसम है जो ठंडा बना हुआ है, कोहरे का बना हुआ है, तो जहाँ पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ाई तो उसी दौरान जो ये 22 लाख रुपए की जो अवैध शराब का जखीरा है ये पकड़ा गया है। 627 पेटी इसमें अवैध शराब की जो पाई गई है। जी बहुत शुक्रिया अशोक, की पूरी जानकारी आपने दी। तो भिवानी से बड़ी खबर आपको बताया, भिवानी पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में जांच पड़ताल जारी है।